Today we will talk about the brief history and development of forensic psychology. Hi dear guys, welcome back to my channel Eastern Psychologist and Assalamu alaikum to everybody who is watching the video right now. फोरेंसिक साइकोलॉजी असल में उस वक्त से मौजूद है जब से जनरल साइकोलॉजी एक अलग नज्म जब की हैसियत से मौजूद है, लेकिन फिर भी फोरेंसिक साइकोलॉजी की तारीख को समझने के लिए हमें वक्त के साथ साथ पीछे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम में साइकोलॉजिकल मेथड्स को किसी न किसी शक्ल में पिछले कई सैकड़ों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसको समझने के लिए देखते हैं नेक्स्ट टेबल में. Here you can see the centuries are given on the top of the chart. कौन सी सेंचुरी में कौन सा वर्क हुआ, लेट सी. 15th सेंचुरी के ऑलमोस्ट एंड में जुर्म के नफ्सियाती पहलुओं को कानून में हैसियत मिली, जैसे कि पागलपन, मतलब पागलपन की वजह से लोगों ने जुर्म किया, इसको इसकी कानून में कबूलियत हुई. 16th सेंचुरी में एक्सपर्ट विटनेस को कानून में एक हैसियत मिली, उनको कानून में कबूल किया गया. खास तौर पे मिडवाइफ्स, दाइयां या मेडिकल एक्सपर्ट्स जो थे उनकी ओपिनियन को वहाँ पे कबूलियत मिली कि वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं. अब दो तरह के यहाँ पे विटनेस होते हैं, एक नॉर्मल विटनेस होता है जो एविडेंस देता है फैक्ट्स के, और एक्सपर्ट विटनेस होता है जो एविडेंस देता है बाय देयर ओपिनियन. तो दो तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं. अब ये एक्सपर्ट्स किस तरह से अपनी ओपिनियन देते थे और उन्हें कबूल किया जाता था, ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ. देन 17th सेंचुरी के ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट में सिस्टमेटिक क्रिमिनोलॉजी की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई. 18th सेंचुरी से बाद के बाद में मेडिकल इलनेस और सोशल प्रॉब्लम्स के जितने भी मेडिकल कंसेप्ट थे या उनकी मेडिसिन थी उनमें प्रोफेशनलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई, मतलब उन पे भी लोगों ने इल्म हासिल करना शुरू कर दिया कि मेंटल इलनेस या सोशल प्रॉब्लम की वजह से भी लोग जुर्म कर सकते हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1879 में विलियम वार्ड ने लेबोरेटरी डेवलप की थी, उसके बाद फॉरेंसिक इश्यूज पे इसी के कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे कि मोस्टनबर्ग ने इस पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था फॉरेंसिक साइड पर. उसने पहले जर्मनी में काम किया, देन यूएस में काम किया, और उसने फॉरेंसिक इश्यूज को कोर्ट में डिस्कस करना शुरू कर दिया कि कोर्ट में जो भी गवाहियां दी जाती हैं उसके कुछ फॉरेंसिक इश्यूज भी हो सकते हैं. देन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी टू बी विद साइकैट्री. क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो प्रोफेशनलाइजेशन स्टार्ट हुई उसने साइकैट्री को कम्प्लीट करना स्टार्ट किया. देन 20th सेंचुरी के लास्ट में दूसरी जंग अजीम के बाद नफ्सियाती तालीम और नफ्सियाती मश की बड़े पैमाने पर तरक्की हुई. देन इन द 24th सेंचुरी क्रिमिनल, लीगल या फोरेंसिक साइकोलॉजी की सब डिसिप्लिन के तौर पर फॉर्मल डेवलपमेंट हो गई. अकॉर्डिंग टू APA 2001 में इसको ये हैसियत मिली थी कि ये साइकोलॉजी का एक सब डिसिप्लिन है. हमने सेकेंड पॉइंट में बात की कि एक्सपर्ट विटनेस की ओपिनियन को एज एन एविडेंस कानून में कबूलियत हुई. तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सपर्ट विटनेस एक्चुअल में जो मिडवाइफ थी वो किस तरह से काम करती थी. तो 1809 से पहले अदालत की समातों में दाइयों ने माहिर गवाह के तौर पर काम करना शुरू किया. कैसे काम किया, उन्होंने अदालत में जो भी बयान दिया किस बुनियाद पर दिया, उन्होंने किस बुनियाद पर फैसला किया कि औरत हामला है या बच्चे की पैदाइश बर्थ होने वाली है या हो गई है, और किन अलामात को समझती हैं कि वो मिस कैरिज या मुकम्मल पैदाइश की निशानदेही करती हैं. इसी तरह माहिर गवाह के तौर पर इनका काम इनकी फीमेल बॉडी की एनाटॉमी और पैदाइश की फिजियोलॉजी पर सीखा हुआ इल्म और इनकी मिडवाइजरी ट्रेनिंग पर इन्हें करता था कि वो माहिर गवाह के तौर पर काम कर सकती हैं या नहीं. आखिरकार इनके काम को, इनके इल्म को दाई और फ्रांसिक टेट की एक गाइड ग्रुप थी, उसने इनको मजीद सपोर्ट किया, और 18th सेंचुरी की दाइयों को
उसके बाद माहिर गवाहों की तरबियत याफ्ता दाइयों की हैसियत से देखा जा सकता था, जो कि कानूनी तौर पर पढ़ी लिखी खवातीन थी, और इनका फर्ज था कि वो अदालत और दीगर वाकियात को जुबानी या तहरीरी सबूत फराहम करें जो इसका मुतालबा करते हैं। इसी तरह दाइयां अपनी गवाही में अदालती मामले की कार्रवाई के मामले में काबिले फहम तिब्बी और कानूनी इस्तलाहात इस्तेमाल करने की हैसियत रखती थी। तो इस तरह से ये दाइयां कोर्ट में काम करती थी। इनको बुलाया जाता था, वहां पर कोई भी केस है, कोई भी मामला हुआ है औरत के साथ, तो दाइयां बता देती थी कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसकी फिजिकल कंडीशन कैसी थी, और क्या इसने कोई मेडिसिन खाई थी, या मिसकैरेज हुआ तो वो किस वजह से हुआ या हो चुका है, तो वो देख के ऑलमोस्ट बता देती थी कि क्या हुआ है। इसी तरह एक्सपर्ट विटनेस मेडिकल एक्सपर्ट्स होते थे, मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी दाई दे बता देती थी कि ये बंदा इंसेन है, मतलब पागल है या नॉर्मल है, या इसने किसी बीमारी की वजह से ये जुर्म किया है। तो इस तरह से इन डॉक्टर्स की या दाइयों की ओपिनियन को एज एन एविडेंस कबूल किया जाता था। ब्रीफ हिस्ट्री हम दोबारा से देखते हैं। एक्सपर्ट विटनेस को लीगल सिस्टम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था 16th सेंचुरी में। उसके बाद जैसे ही एक्सपर्ट विटनेस की पॉपुलैरिटी हुई कोर्ट में, उनकी मकबूलियत हुई, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने डिपेंडेंट की मेंटल हेल्थ पे तबसरा करना शुरू कर दिया, उस पर कमेंट देना शुरू कर दिया कि उनके मेंटल हेल्थ किस वजह किस तरह की होती है जिसकी वजह से जो वो लोग जुर्म करते हैं। देन 17th सेंचुरी में हमें देखने में आया कि डिफेंस के तौर पर इंसैनिटी को कोर्ट में यूज़ किया जाने लगा कि अगर कोई पागल है तो वो कोर्ट में खुद को डिफेंड कर सकता है, सजा से शायद बच भी सकता है। देन इटालियन एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे कैसारे डी बेकेरिया, इन्होंने एक नोशन दिया था कि पनिशमेंट नीड्स टू फिट द क्राइम। कोई भी अगर पनिशमेंट मिलेगी किसी क्रिमिनल को तो उस पनिशमेंट का उस क्राइम के अंदर फिट होना बहुत ज़रूरी है। सो इस पर बहुत सारे बासर ख्यालात दिए गए कि लोग जो हैं वो क्यों क्राइम कंडक्ट करते हैं, ताकि उसकी एक अच्छे से रोकथाम की जा सके। देन अ सेंचुरी लेटर इन 1876 लोम्ब्रोसो ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था क्रिमिनल मैन। इसका वर्क फर्स्ट वर्क था और एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट थी जिसमें हम मेजर कर रहे थे और अंडरस्टैंड कर रहे थे क्राइम को और क्रिमिनल्स को। अब जितने भी क्रिमिनल आइडियाज दिए गए, साइकोलॉजी इसके निस्बत बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी, और जितने भी साइंटिफिक वेज थे बिहेवियर्स को देखने के, क्रिमिनल्स के, ज्यूरीज के या विटनेस के, ये सब भी काफ़ी हद तक इसी साइकोलॉजी का पार्ट था, जो कि एक अलग साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था। उस वक्त कोई क्रिमिनल या फॉरेंसिक साइकोलॉजी नहीं थी। द फर्स्ट सीड ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी वर प्लांटेड इन 1879। पहला सीड 1879 में प्लांट किया गया, जो वेन विलियम वॉन्ट ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी फाउंड हिज फर्स्ट लैब इन जर्मनी। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस लेबॉरटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिंग इज व्यूड एज द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। सो विलियम वॉन्ट को कौन नहीं जानता, जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब बनाई थी, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी हैं। इन्होंने पहला सीट रखा फोरेंसिक साइकोलॉजी का। कैसे? क्योंकि इन्हीं के स्टूडेंट्स थे, कोलीग्स थे, जो इनके साथ काम कर रहे थे जर्मनी में, और उन्होंने फिर काम किया यूएस में, और उन्होंने फॉरेंसिक साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उन्हीं में से एक इनके स्टूडेंट थे ह्यूगो मस्टनबर्ग, जिन्होंने जर्मनी में इनके साथ काम किया और उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो था उसको अप्लाई किया फॉरेंसिक इश्यूज टू द कोर्ट्स। फॉरेंसिक इश्यूज जो कोर्ट्स में होते हैं उन पर अपना इंटरेस्ट शो किया, एंड ही आल्सो शेड डाउट ऑन द कनेक्शन बिटवीन आई विटनेस कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी। अब इनको डाउट था कि कोर्ट में जो भी आई विटनेस आता है उसकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस में थोड़ा डाउट है, देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन दीज टू।
Then between 1880s and 1930s, significant examples of psychological work in the field could be seen. By the early 1980s, the formation of both national and international criminological psychology organizations had cemented interest in the area. In British, the Division of Criminological and Legal Psychology was formed in 1977 as a subsection of the British Psychological Society. British Psychological Society में 1977 में इसको एक subsection की हैसियत मिली. Then in 1999, the division was renamed the Division of Forensic Psychology. ब्रिटेन में ये जो subsection की इसको एक हैसियत मिली थी, इसको rename कर दिया गया और इस division का नाम रख दिया गया Division of Forensic Psychology. Then the Division of Forensic Psychology states that its aim is to respond to the special interest and professional needs of the increasing number of psychologists whose work involves the study of crime and the legal process and the management of offenders. अब इस डिवीजन का वहां पे मकसद क्या था? ताकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो रिस्पॉन्ड करें उन स्पेशल इंटरेस्ट के ऊपर या उन नीड के ऊपर जिसकी वजह से सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है और उनकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ऑफेंडर्स को किस तरह से मैनेज करना है ताकि हम इन नंबर्स को कंट्रोल कर सकें. Then the forensic psychology was officially recognized as the specialization within psychology by the American Psychological Association in 2001 में भी forensic psychology को एक अलग से एक हैसियत मिली, इसकी कबूलियत हुई, ये एक सब डिसिप्लिन बना psychology का. Let's see the historical contributions. The first forensic psychologist was a student of Wittenberg. And his name was Albert von Schenck, not Schenck, in 1896. ये expert witness के तौर पर एक इन्होंने case handle किया in the court और ये first forensic psychologist भी कहलाते हैं. Case क्या था? एक triple murder case था जिसमें witness confused हो रहा था अपनी actual memories जो उस event की थी और जो उसकी memories describe की गई थी newspaper में, इन दोनों में वो कंफ्यूज हो रहा था. इसको उसने नाम दिया रेट्रोएक्टिव मेमोरी फॉल्सिफिकेशन का. रेट्रोएक्टिव मेमोरी क्या होती है? जिसमें हम रिसेंट जो भी लर्न करते हैं वो हमारी प्रीवियस लर्निंग को इनहिबिट कर देता है, वो हम कुछ हद तक फेड हो जाती है प्रीवियस लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेक्चर्स ले रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर लिए है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, रिसेंट लेक्चर होगा, वो हमें याद रहेगा और पहले वाले लेक्चर जो हैं वो काफ़ी हद तक हमें भूल जाएंगे या याद नहीं रहेंगे कि उसमें टीचर ने क्या कहा. तो इस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं रिट्रैक्टिव मेमोरी, में रिसेंट याद रहता है और पुराना कुछ फेल हो जाता है या हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इसी तरह से रिट्रैक्टिव मेमोरी फॉल्सिफिकेशन क्या है? एक्चुअल में जो इवेंट की मेमोरीज हैं वो उस मेमोरी के साथ कंफ्यूज हो जाती हैं जो कि मीडिया डिस्क्राइब करता है, जिसको हम कहते हैं रिट्रैक्टिव मेमोरी फॉल्सिफिकेशन. सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द लाई डिटेक्टर टेस्ट. मस्टनबर्न के ही एक स्टूडेंट थे विलियम मैसन, जिन्होंने डेवलप किया एक पॉलीग्राफ इन 1915, और इनका वर्क था ब्लड प्रेशर और डिसेप्शन के दरमियान लिंक को फाइंड आउट करना. और इनका ख्याल था, इन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि अगर सब्जेक्ट झूठ बोलेगा तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या उसमें हमें थोड़ी चेंजिंग्स देखने में नजर आएंगी. और ये एक पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे लीगल साइकोलॉजी के. याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट प्रोफेसर लीगल साइकोलॉजी के कौन थे? Marston. His discovery later led to the design of the modern polygraph detector. अब आपने देखा होगा कि polygraph के बहुत सारे modern detectors आ चुके हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये identify कर लेते हैं that the person is lying or not. Now the question is, what is the systolic blood pressure? The blood pressure basically measures the two numbers, that is systolic and diastolic. Now, what is meant by these numbers?
The first number, which is called systolic blood pressure, measures the pressure in your arteries when your heart beats. And the second number, called the diastolic blood pressure, which measures the pressure in your arteries when your heart rests between beats. Okay, I think it's clear now. Arteries mein jo pressure hota hai during the beats, us pressure ko hum kehte hain systolic blood pressure and diastolic blood pressure. In dono beats ke darmiyan jab hamare heart ki arteries resting position mein jaati hain, usko hum kehte hain diastolic blood pressure. अब जब पर्सन झूठ बोलता है तो उसका हार्ट बीट उसकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जिसकी बेसिस पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो उसका फ्लक्चुएट कर जाता है, हाई हो जाता है या लो हो जाता है. तो उसकी बेस पे पता लगता है कि दैट पर्सन इज सेइंग समथिंग डिफरेंट, उसका दिमाग कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, उन दोनों की आपस में जंग हो रही है, जिसकी बेस पर हार्ट बीट भी फास्ट हो गई है और उसका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है. तो यहाँ पर पॉलीग्राफ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेता था दैट द पर्सन इज टेलिंग अ लाई. लेकिन इसके बाद बहुत सारे इश्यूज सामने आए कि हो सकता है कि वो पहली दफ़ा इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, उसकी वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई है, या फिर कोई और वजह है, उसको बोला नहीं जा रहा है, कोई खौफ है, एवरी थिंग लाइक दैट. तो उसकी वजह से भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई हो सकता है. लेकिन बाद में बहुत सारी डिफरेंट मॉडर्न पॉलीग्राफ्स डिवेल्प किए गए कि हमें इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए दैट वेयर इज द फॉल्सिफिकेशन. तो लाई डिटेक्टर का एक टेस्ट भी मैं आपको वेरी सून बताऊंगी कि हम किस तरह से लाई को डिटेक्ट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल वे में विदाउट यूजिंग पॉलीग्राफ्स. सो हियर इज अ चार्ट बाय विच यू कैन गेट हेल्प दैट वट इज the systolic blood pressure and diastolic blood pressure's normal range. Next, we will talk about the forensic discipline, what the forensic psychologists do, and why the research is important during the practice. I hope you guys like the video and subscribe bhi karenge aap channel ko, and we'll catch you again in my next video. So see you dear guys in the next one. Bye.